पूर्व विधायक श्री रमेश सिंह कुशवाहा जी पार्टी की राष्ट्रीय इकाई के उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र नाथ जी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री माधव आनंद जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री फजल इमाम मल्लिक साहब पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष कुशवाहा जी मदन चौधरी जी प्रसाद पंकज जी जंग बहादुर सिंह जी अंगद कुशवाहा जी ब्रजेंद्र पप्पू जी चंदन बागची जी युवा इकाई के प्रदेश के अध्यक्ष और इसी जिला के साथी हैं और उस हैसियत से इन्होंने आप सभी के सम्मान में भी स्वागत भाषण दिया है। हिमांशु पटेल जी श्रीमती रेखा गुप्ता जी संचालन कर रहे साथी और पार्टी के प्रदेश के महासचिव सुभाष चंद्रवंशी जी श्रीमती श्वेता सुमन जी अजय कुशवाहा जी ठाकुर धर्मेंद्र जी इस जिला के महत्वपूर्ण नेता और साथी जिन्होंने हर संघर्ष में हम सभी का साथ हमेशा दिया है मंच पर उपस्थित हैं श्री भरत प्रसाद सिंह जी पार्टी प्रदेश के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशोक राम जी इस जिला में पार्टी के कार्यों को मुख्य रूप से देख रहे साथी सोनू कुशवाहा जी मंच पर उपस्थित थे राजा राम गुप्ता जी पप्पू वर्मा जी नंद कुमार सिंह जी अखिलेश सिंह जी वृंदा सिंह जी स्मृति कुमार जी राम कुमार मेहता जी इंजीनियर शंभुनाथ सिन्हा जी पार्टी के प्रदेश के महासचिव और प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा जी श्रीमती उर्मिला पटेल जी अनंत गुप्ता जी अशोक मेहता जी संतोष गुप्ता जी युवा साथी संजय मेहता जी रियाज अहमद जी पप्पू सिंह जी श्रीमत रिंकू सोनी जी श्री बसंत चौधरी जी साथी सुकुल राम जी चौधरी विनोद निषाद जी यीशु सिंह जी रमेश पासवान जी चंद्रभूषण वर्मा जी सफदर इमाम साहब महेंद्र बैठा जी मेजर राम नगीना सिंह जी राम परीक्षा सिंह जी रणधीर सिंह जी साकेत कुमार चंदन जी गनौर मुखिया जी देवी कुशवाहा जी दीपक वर्मा जी विनोद कुशवाहा जी राजकुमार सिंह कुशवाहा जी शेष या उपस्थित सम्मानित नेतागण मंच पर बैठे हैं या आप सब लोग नीचे बैठे हैं सभी के सभी आवाज नहीं आ रही किधर आवाज नहीं जा रही जहां आवाज नहीं जा रही तो उस तरफ आवाज नहीं जा रही हो जाएगा हो जाएगा हो गया तो आप सब लोग यहां बैठे हुए हैं उपस्थित हैं कुछ लोगों को जगह नहीं मिल पाई है
संभव है कुछ लोग बाहर भी रह गए हों, तो आप सभी पार्टी के सम्मानित नेतागण, मित्रों, दोस्तों और मीडिया के बंधुओं, हम सब लोगों ने तय किया था पार्टी बनने के उपरांत ही कि हम 3 दिनों का शिविर करेंगे। तो आज हम सब लोग 3 दिवसीय राजनीतिक शिविर के प्रथम दिन, प्रथम सत्र में उपस्थित हैं। भाइयों मित्रों, कई बार बात हुई है बिहार के लोगों को हमने पार्टी बनाने के पीछे जो पृष्ठभूमि है, जो संदर्भ है, उसकी चर्चा हमेशा की। और पार्टी बनाकर जब हम आगे बढ़े हैं तो अपने मिशन में हम सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिस वक्त हम लोग पार्टी बनाने के बारे में सोच रहे थे और पार्टी बनाने के बाद जब हम निकल गए बिहार में विरासत बचाओ नमन यात्रा के माध्यम से, तो जब हम पार्टी बनाने के बारे में सोच रहे थे उस समय जो आकलन हम लोगों का था और पार्टी बनाने के बाद जब निकल पड़े तब जो हम लोगों ने देखा, दोनों में बहुत बड़ा फर्क था। जिस वक्त हम लोग सोच रहे थे वाकई बाकी पार्टी के साथ ही जो सोच रहे हो उस वक्त, लेकिन हमने तो नहीं सोचा था उस वक्त कि इतना बड़ा समर्थन बिहार के गांवों में, जिला जिला में लोग हमारी पार्टी के साथ थे, इतना बड़ा समर्थन मिला। हम निकले थे रियासत बचाओ नमन यात्रा के माध्यम से। जब जब राजनीति में जरूरत पड़ी है आरोप लगाने वाले लगाते रहे, विरासत जब जब खतरे में पड़ी है तब तब हमने कोई ना कोई डिसीजन उस विरासत को बचाने के मकसद से, बढ़ाने के मकसद से लिया, क्योंकि हम जिन महापुरुषों के रास्ते पे खुद चलना चाहते हैं, समाज बिहार और देश को ले जाना चाहते हैं, उनका संदेश हमें यही सिखाता है कि वह सूरों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, असूरों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। हम असूरों की राजनीति करते हैं और जब जब असूरों पर खतरा, विरासत पर खतरा दिखा तो हमने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि हमको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिस रास्ते पे हम जाना चाहते। विरासत बचाने की बात हम ने प्रयास किया जेडीयू में रहते हुए भी हम करें, लेकिन पता नहीं लोग क्यों परेशान हो गए। हमने तो उस वक्त भी कहा था कि हम सब अपना सर्वस्व जो छावर करके आ रहे हैं,
हमने बार बार अपने अपने राजनीतिक सफर में कहा कि विष और अमृत दोनों कहीं भी मंथन के बाद मिलता है। समाज को बनाने के लिए विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कभी जरूरत पड़े तो राजनीतिक कार्यकर्ता को विष पीने से भी परहेज नहीं रखना चाहिए। तो तब तो हमने विष पी ही लिया था। आखिर परेशानी क्यों हुई लोगों को? देखिए, सवाल जहर का नहीं था, वह तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं फिर से जी गया। आप सब लोग यहां पार्टी के साथ ही उपस्थित हैं। विरासत को बचाने के लिए टकराना जरूरी था कि नहीं था? विरासत को बचाने के लिए टकराना जरूरी था। अगर हम जिंदा हैं राजनीति में तो जिंदा नजर आना जरूरी था कि नहीं था? तो विरासत को बचाने के लिए टकराना भी जरूरी था, क्योंकि विरासत पे आंच आ रही थी। और हम जिंदा हैं राजनीति में तो कुछ लोगों को गलत फहमी हो गई थी। पता नहीं क्यों गलत फहमी हुई, संभव है कि उनको लगा हो कि चक्रव्यूह में समेट करके और समाप्त कर दे। तो इस मंशा से अगर सोच रहे हो तो उनको तकलीफ स्वाभाविक है। उनकी तकलीफ अपनी जगह, लेकिन हम यदि जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी जरूरी था। हम निकल पड़े। मेरे ऊपर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप आए हैं शिविर में, 3 दिनों का शिविर होगा, गंभीरता पूर्वक सब लोगों की बातों को सुनिएगा भी, अपनी बात आवश्यकता अनुसार कहिएगा भी। सामान्य भाषण के कार्यक्रम की तरह यह शिविर नहीं है। कुछ सीखने के लिए है, कुछ सिखाने के लिए है, कुछ यहां से लेकर जाने के लिए। मेरे बारे में बाकी लोगों की बात क्या करें। पार्टी में जब मामले की शुरुआत हुई उसी वक्त नीतीश कुमार जी ने स्वयं कहा कि जब मन होता है आ जाता है, जब मन होता है चला जाता है। पता नहीं मेरे बड़े भाई हैं, उनके बारे में कितना हम सम्मान रखते हैं, लेकिन कभी अपने बारे में यह बोलते हुए उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कि आता है चला जाता है, कभी अपने बारे में उन्होंने सोचा कि नहीं सोचा? हम तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में राजनीति की शुरुआत किए थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जिन विरासत को समेटे हुए आगे बढ़ रहे थे, उनसे प्रेरित होकर प्रभावित होकर हम उनके पीछे पीछे हो लिए थे। और लगभग तभी से हम नीतीश जी का जो राजनीतिक सफर है उसको भी देखते रहे हैं। हालांकि हमने जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ पीछे पीछे होकर राजनीति में कदम रखा, उससे पहले से नीतीश कुमार जी राजनीति में थे। स्वाभाविक है, हमसे वरिष्ठ है, हमसे ज्यादा अनुभव उनको है। लेकिन जब से हम देख रहे हैं तब से मेरे बारे में कहते हैं कि बदल जाता है, आता है चला जाता है। हम देख रहे हैं नीतीश जी को जनता पार्टी के समय से। तब हम इंटर के विद्यार्थी होते थे, जनता पार्टी का निर्माण हुआ था 74 आंदोलन के बाद। तो जनता पार्टी
के एक युवा नेता के रूप में हम उनको देखने लगे। बाद में चलकर दमकीपा दलित मजदूर किसान पार्टी बनी, उसके नेता के रूप में हमने देखा उनको। फिर बाद में चलकर लोक दल बना, लोक दल के नेता के रूप में हमने देखा उनको। फिर आगे चलकर लोक दल चौधरी चरण सिंह बना, इस पार्टी के नेता के रूप में हमने उनको देखा। लोक दल विभाजित हुआ था, लोक दल क और च, लोक दल क मतलब कर्पूरी जी के साथ वाला लोक दल, लोक दल च मतलब चरण सिंह जी के साथ वाला लोक दल। तो लोक दल च के नेता के रूप में भी हमने देखा नीतीश कुमार जी को, और उसके पहले और उसके बाद भी जन्ना कर्पूरी ठाकुर के बारे में उनका क्या क्या बयान रहता था। आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के लोगों को याद होगा, जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर किसी और ने नहीं कहा था, तो उस रूप में भी हमने देखा। लोकदल चौक के बाद फिर जनता दल, उस पार्टी के नेता के रूप में भी हमने देखा। गिनती गिनते जाइएगा। फिर समता पार्टी बनी, समता पार्टी के नेता के रूप में भी हम लोगों ने देखना शुरू किया। जनता दल ज, हाँ वह भी कह सकते हैं, एक और आप जोड़ रहे, जनता दल जोड़ बना। तो खैर वह तो प्रक्रिया थी, समता पार्टी बनने के पहले की प्रक्रिया थी। तो जनता दल जोड़, फिर समता पार्टी। यहां बैठे हुए शायद कुछ लोगों को याद होगा, 2000 के तुरंत पहले समता पार्टी के जनता दल में विलय की घोषणा हो गई थी दिल्ली में। उसी वक्त 2000 के पहले की समता पार्टी अब आगे चलकर जनता दल यूनाइटेड में विलय कर जाएगी, इतिहास गवाह है। फिर बात चुनाव आ गया, 2000 का विधानसभा चुनाव। चुनाव आते आते बात पटरी से फिर हटने लगी। सैद्धांतिक रूप में इन प्रिंसिपल घोषणा हो गई थी कि समता पार्टी अब जनता दल के साथ मिल जाएगी, लेकिन चुनाव आ गया। चुनाव के बाद, चुनाव के पहले जब घोषणा हुई कि समता पार्टी जनता दल में मिल जाएगी, चुनाव के थोड़े दिनों के बाद फिर से कार्यक्रम हुआ पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और फिर से हुआ कि नहीं नहीं समता पार्टी को हम बाहर निकालते हैं। 2 महीना के अंदर समता पार्टी भीतर, और 2 महीना के बाद समता पार्टी फिर बाहर। हम तो कम से कम 2 साल के बाद बाहर आए, आप तो 2 महीना में। तो समता पार्टी फिर चल पड़ी। बाद में चलकर फिर जनता दल यूनाइटेड, भाइयों और मित्रों, कितनी बार गिनती जोड़ करके रख लीजिएगा, 9 बार। और बहुत जोर कर मेरे बारे में बोल रहे थे वो लोग आलोचना में, तो भी 9 बार नहीं कह रहे थे। तो मेरे बड़े भाई हैं, उनके लिए सब माफ है, छोटा भाई के लिए माफ नहीं। बड़ा भाई करे तो रासलीला, और छोटा भाई करे तो करेक्टर ढीला। देखिए राजनीति के, अरे भाई क्यों बीच में बोल रहे हैं, राजनीति के सफर में हम यह नहीं कह रहे
कि नीतीश जी ने बार बार बदलकर कोई गलती की, हमेशा गलत नहीं किया। समता पार्टी का निर्माण जरूरी था, उन्होंने ठीक किया था। जनता दल जोन का निर्माण जरूरी था, उन्होंने ठीक किया था। हर बार उन्होंने गलती नहीं की। लेकिन समता पार्टी के समय उन्होंने ठीक किया, यह बात सही है। जब 2014 का लोकसभा चुनाव आने वाला था, उसके पहले एनडीए उन्होंने छोड़ दिया, बदलाव किया। उसकी आलोचना हो सकती है कि उन्होंने क्यों किया, लेकिन कुछ लोग उनके समर्थन में थे और जो लोग समर्थन में थे उनके अनुसार वह भी ठीक होगा। आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से उनका वह डिसीजन भी सही उनके अनुसार हो सकता है, कुछ लोग तर्क दे सकते हैं। लेकिन जरा इस तर्क से मुझको कोई समझाए कि फिर से बीजेपी के साथ उस वक्त अलग हो गए, एनडीए से रिश्ता तोड़ लिया, कुछ लगा होगा उनको, तो उस वक्त तो आंशिक रूप से थोड़ी सहमति कहीं से भी मिल सकती है। समता पार्टी के समय पूरी सहमति, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के साथ 2014 के लोकसभा चुनाव के समय पहले तो अलग हुए एनडीए से और अकेले चुनाव लड़े बिहार भर में, तो उनकी इच्छा उतनी दूरी तक बढ़े। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के साथ इतना बदल गए नीतीश जी की, अंत में उस वक्त आकर के राष्ट्रीय जनता दल के साथ उन्होंने दोस्ती कर ली, इसके पीछे क्या तर्क था? जनता दल यूनाइटेड के साथ समता पार्टी की दोस्ती, राष्ट्रीय जनता दल के साथ दोस्ती, राष्ट्रीय जनता दल के साथ इनकी दोस्ती, भाई और मित्रों मेरे बारे में तो कहा जाता है, लोग कहते हैं कि बदलता है। उपेंद्र कुशवाहा डंके की चोट पर कहता है कि जब जब हमने राजनीति में सफर बदला है, हमने कभी अपने स्वार्थ में सफर बदलने का काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी का राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना स्वार्थ में था कि विरासत को बचाने की दिशा में था? अगर विरासत को बचाने की दिशा में था तो नीतीश जी को फिर जवाब देना पड़ेगा कि समता पार्टी का गठन क्यों किया था आपने? वर्षों वर्ष तक जो संघर्ष चला, हजारों लोग कुर्बान हो गए, उनकी कुर्बानी की जरूरत क्या थी अगर फिर से आपको राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही जाना था? जॉर्ज फर्नांडिस हम लोग के तब नेता होते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान ही बाद में चलकर समता पार्टी के रूप में परिवर्तित होती। किसका भ्रष्टाचार, जिसके भ्रष्टाचार के खिलाफ समता पार्टी का गठन हुआ, उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ जाकर मिल जाना इस स्वार्थ में था कि विरासत को बचाने के लिए था। और इतना ही नहीं, बिहार भर के लोगों के बीच घूम घूम कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर वोट लिया और फिर से एनडीए में रातों रात वापिस हो गए। किस बात के लिए यह बदलाव था?
स्वार्थ के लिए था कि विचारधारा के लिए था? स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए। और फिर राष्ट्रीय जनता दल से एनडीए, फिर और फिर एनडीए से इस बार फिर राष्ट्रीय जनता दल। सब बदलाव को जोड़ लीजिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, तब उपेंद्र कुशवाहा की ओर उंगली उठाने का काम कीजिए। आपके बदलना और मेरे बदलना में अंतर है। आपने एक दो उदाहरण को छोड़ करके हमेशा राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, कुर्सी के लिए बदलाव किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कभी कुर्सी के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं बदलाव किया। मेरे जैसा आदमी विश्लेषण करता है, हम कहते हैं कि समता पार्टी के समय आपका बदलाव उचित बदलाव था। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले जो बदलाव था, हम पूरे तौर पर भले ना सहमत हो, लेकिन कहा जा सकता है उनकी ओर से कि हम उस वक्त विचारधारा के चलते हमने बदलाव किया था, उसको भी हम थोड़ा मान लेते हैं। उसके अतिरिक्त जितना बदलाव आपने किया, कुर्सी के लिए बदलाव था, जनता के लिए बदलाव नहीं था। और कौन सा बदलाव कुर्सी के लिए है, कौन सा बदलाव जनता के लिए है, विचारधारा के लिए है, उसका पैमाना है। बदलाव करते हुए सत्ता की ओर कदम जा रहा है या सत्ता से संघर्ष की ओर कदम जा रहा है, कदम की दिशा देख लीजिए और तय कर लीजिए कि बदलाव किस दिशा में है। उनका बदलाव जब भी हुआ तो इधर से जाकर उधर की कुर्सी सुरक्षित रखने का सारा इंतजाम पहले, और तब जाकर यहां से उठकर उस कुर्सी पर बैठे। सत्ता की ओर जाना था कि सत्ता से बाहर संघर्ष की ओर जाना था? हमेशा सत्ता की ओर जाने के लिए उनका बदलाव था। उपेंद्र कुशवाहा का बदलाव, हम राज्यसभा के सदस्य थे और उसके पहले चले जाइए 2005 में, जब सरकार बनी थी नीतीश जी के नेतृत्व में पहली बार बिहार में। लगातार जब से समता पार्टी बनी, जनता दल जॉर्ज बना, तब से या उसके और भी थोड़ा पहले से नीतीश कुमार जी के साथ हम, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के बाद ही हम उनके साथ हो लिए थे, तो उतने दिनों का जो संघर्ष था, पूरे संघर्ष के दौरान उपेंद्र कुशवाहा साथ था। सत्ता में पार्टी गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने 2005 में, और 2006 आते आते हम वहां से अलग होने की बात करने लगे। सत्ता में अगर रहने की लालसा होती तो सरकार बनने के बाद, सत्ता में आने के बाद तो बहुत सारे लोग जुड़ने लगते हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो जब पूरी पार्टी संघर्ष के बाद सत्ता में चली गई 2005 में, तब वहां से अलग हुआ था, तब वहां से अलग हुआ था। तो हमारा वह जो रास्ता था, संघर्ष से सत्ता की ओर का नहीं था, सत्ता से संघर्ष की ओर का हमारा कदम था। उतने दिनों का संघर्ष, पार्टी सरकार में गई और हम छोड़कर साल भर के बाद ही चल दिए। अगर मुझको कुर्सी की लालच होती, उस वक्त भी कहा गया, अखबार में बयान आया कि उपेंद्र कुशवाहा जी को सत्ता में बड़ी जगह मिलने वाली थी, लेकिन चले गए। यह बात साबित करती है कि उपेंद्र कुशवाहा सत्ता की ओर नहीं, सत्ता से संघर्ष की ओर 2006 में भी गया था साथ में। फिर उसके बाद राज्यसभा का 2012-13 का मामला, पार्टी सत्ता में थी, राज्यसभा का मैं मेंबर था, दो साल से थोड़ा ही ज्यादा हुआ था, हम सड़क पर नहीं थे, सदन में थे, लेकिन सदन को छोड़कर
फिर हम संघर्ष के रास्ते पर गए, राज्यसभा से मेरा इस्तीफा सत्ता की ओर था या सत्ता से बाहर संघर्ष की ओर था? संघर्ष के रास्ते पर, सड़क पर, सदन से सड़क पर जाने की ओर मेरा रास्ता था। अभी मैं विधान परिषद का मेंबर था, पार्टी सत्ता में थी, हमने फिर वहां देखा, जो कुछ भी देखा हम चर्चा बाद में करेंगे उसकी, बाकी समय भी क्यों हमने बदला हम बताएंगे, लेकिन हम सिर्फ इतना बताना चाहते कि जब जब हमने कदम बढ़ाया है तब तब हमारा कदम संघर्ष से सदन से, सड़क से सदन की ओर नहीं बल्कि सदन से सत्ता से संघर्ष की ओर, सड़क की ओर हमारा कदम गया है। हम विधान परिषद के सदस्य थे, क्या दिक्कत थी हमको? सत्ता में पार्टी थी, हम चाहते तो आराम से रह सकते थे। लोग क्या क्या नहीं करते हैं सदन में जाने के लिए, और वो करोड़ रुपया लोग खर्च करते हैं जिनके पास पैसा है, कितना पापड़ बेलते रहते हैं कैसे भी चले जाए। तो हम तो अभी भी 4 साल और रह सकते थे, हमको अगर रहता कि सत्ता सुख में रहना है तो हम और रह सकते थे, लेकिन फिर हमने सदन से सड़क की ओर फिर हमने कदम बढ़ाने का काम किया है। अब उनका बदलना और मेरा बदलना जरा कंपैरिजन कीजिएगा। उनका बदलना हमेशा सत्ता की ओर, एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी की ओर, उपेंद्र कुशवाहा का बदलना हमेशा सदन से सड़क की ओर, सत्ता से संघर्ष की ओर का रहा है। और ऐसा इसलिए कि हमने सीखा है अपने पूर्वजों से, हमने यही सीखा है कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, इसलिए हमने हमेशा यह किया है। भाइयों और मित्रों, इस बार भी हम गए थे जनता दल यूनाइटेड में, इसके पहले भी गए थे। आप देख लीजिए 2005 से लेकर अब तक, जब जब नीतीश कुमार जी मजबूत हुए हैं तब तब हम उनसे दूर हुए हैं, और जब जब नीतीश कुमार जी कमजोर हुए हैं तब तब हम उनके साथ हुए हैं। 2010 के पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था 2009 में, और उस 2009 के लोकसभा चुनाव में कई लोग जो विधानसभा के सदस्य थे लोकसभा में चुनाव लड़े और जीतकर चले गए, जगह खाली हो गई। बिहार में 17 जगह खाली हुई थी और उन 17 जगह पे उपचुनाव हुआ था, और उस चुनाव में नीतीश कुमार जी की पार्टी बुरी तरह पिट गई थी, इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, बुरी तरह पिट गई थी। सत्ता में होते हुए भी पार्टी का जनाजा निकल गया था उस विधानसभा के उपचुनाव में। तो वह जो कमजोरी उनके अंदर आई, पार्टी के अंदर आई, तब उन्होंने मुझको याद किया। तो जब कमजोर हुए नीतीश जी तो मुझको याद किया, हम उनके साथ बोलिए। इस बार भी 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या दुर्गति हो गई उनकी, 43 पर चले आए। तो जो दुर्गति हुई, इस दुर्गति के कारण उन्होंने फिर से मुझको याद किया। भाइयों और मित्रों, जब जब इन
इन्होंने कमजोरी महसूस की, वास्तव में कमजोर हुए, तब याद किया और हम उनके साथ हो लिए। मेरे इस कदम की आलोचना होती है, होती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो लोग भी मेरी आलोचना इस कारण से करते हैं, हमारे ध्यान में हमेशा जन्नायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत आगे कैसे बढ़े, समाजवादी आंदोलन का रास्ता कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता हमेशा राजनीति में हमने की है। जन्नायक कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के बाद यह जवाबदेही लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर आई थी कि इस विरासत को लालू जी आगे बढ़ाने का काम करें। कुछ दिन शुरुआती दौर में उन्होंने ठीक भी किया, लालू जी ने भी ठीक किया, लेकिन साल दो साल के बाद इस विरासत के नाम पर बिहार की जनता से मिली हुई ताकत का इस्तेमाल लालू जी अपने परिवार के लिए करने लगे, अपने परिवार के लिए करने लगे। उन्होंने उस विरासत की चिंता छोड़ दी, उस विरासत की चिंता छोड़ दी, तब जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में कदम बढ़ा, बिहार में नीतीश जी ने नेतृत्व दिया। और इसलिए हम कह रहे हैं कि समता पार्टी का गठन उनका सही फैसला था, विरासत को बचाने का फैसला था, इसलिए हम नीतीश कुमार जी के साथ उस वक्त हो गए थे। और नीतीश जी इस विरासत को लेकर जब आगे बढ़े बिहार में, तो शुरुआती दौर में नीतीश कुमार जी ने भी अच्छा काम किया, जिस अराजकता के माहौल से बिहार को उस समय लाने की जरूरत थी, याद होगा सब लोगों को, समता पार्टी के गठन, जनता दल जोर के गठन के समय नीतीश जी ने सबसे पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लोगों से बात की, उसमें कहा कि हम बिहार से आतंक और पाखंड राज को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम इस रास्ते पर जा रहे हैं, आतंक और पाखंड राज को समाप्त करने की बात उन्होंने की थी। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के की विरासत को आगे बढ़ाने की बात हुई, तो उनके साथ उस वक्त हम हो लिए। और हमेशा हमने ख्याल रखा, सब लोगों को मालूम है कि जिस विरासत को आगे नीतीश जी ले चल रहे थे, हमने जब जब उनसे अलग जाने का फैसला लिया, नीतीश जी जब कमजोर होने लगे, किसी कारण से पार्टी कमजोर होने लगी, तो दोनों समय, चाहे 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में नीतीश जी उनकी पार्टी की कमजोरी का मामला हो, या 2020 में जिस तरह से नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी कमजोर हुई इसका मामला हो, जब जो साथी हमारे साथ थे, हम लोगों ने बैठकर बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचा, इस बार भी 2020 के जो चुनाव के बाद जो परिदृश्य बना, लालू जी की पार्टी अपनी जगह है बिहार में, बाकी कांग्रेस पार्टी अपनी जगह है, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी, जिस जन आधार को लेकर यह पार्टी चलती है, जनता दल यूनाइटेड चलता है, उसी जन आधार के ऊपर दावा हम भी उस वक्त कर रहे थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी उसी जन आधार को क्लेम कर रही थी और उसी जन आधार के लोगों ने हमारी बात को सुनना भी प्रारंभ कर दिया था, समर्थन हमको भी मिला। ठीक है कि हम चुनाव नहीं जीत पाए 2020 में विधानसभा में कहीं भी, लेकिन लोगों का वोट शाहबाद के इलाके में, मगध के इलाके में, चंपारण के इलाके में और भी कई जगह बिहार भर में मिला, वह वोट कोई और वोट नहीं था, जनता दल यूनाइटेड को जो मिलने वाला वोट था उसी को हमने शेयर करने का काम किया था, उसी को हमने शेयर करने का काम किया। तो जब जब हमने
उस वोट को अपने राजनीतिक अभियान के कारण विभाजित करने का काम किया, तब तक नीतीश कुमार जी कमजोर हुए। और फिर हम सब लोगों को लगा इस बार 2020 के बाद भी जब नीतीश कुमार जी का वोट, हम लोगों का वोट एक ही वोट, इसी को हम डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, पूरा का पूरा हम अगर अपने साथ ले आने में कामयाब हो गए रहते, जिस इलाके में जहां जिन लोगों ने वोट दिया आंशिक रूप से समर्थन हुआ, अगर पूरा का पूरा समर्थन होता तो एक डर जो हम सब लोगों के मन में आया वह डर नहीं आया होता। और डर क्या था, बिहार की जनता ने 2005 के पहले वाली जो ताकत थी उस ताकत को उठाकर फेंक दिया था। उस समूह के लोगों ने अपना कुर्ता धोती फिर से धुलवाकर और अपना कॉलर को फिर से सीधा करने में लोग लग गए थे कि चलो दोनों लड़ेगा तो हम फिर से सत्ता में पहुंच जाएंगे, दोनों लड़ेगा तो फिर से हम सत्ता में पहुंच जाएंगे। हमारे सामने बड़ा सवाल था कि क्या करें हम, क्या हम उस ताकत को आने दें बिहार में। 2005 के पहले जिस ताकत ने बिहार को तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दिया था, क्या हम उस ताकत को आने दें। अगर हम अपने संघर्ष को जारी रखते तो कल होकर हम सब लोगों के ऊपर, हमारी पूरी जमात के ऊपर यह आरोप लगता कि आपके चलते वह फिर से वही लोग आ गए जिनको नहीं आना चाहिए था। तो हमारे सामने एक रास्ता था कि हम फिर से उसको आने देते, या फिर दूसरा रास्ता हमारे सामने था कि हम उनको रोकने के लिए दूसरा कदम जो हो सकता था हम उठाते। दो ही रास्ता था। हम सब लोगों ने विमर्श किया और हमको मुनासिब लगा कि हम जिस विरासत को आगे ले चलने की बात कर रहे हैं, अगर फिर से वही ताकत आ गई 2005 के पहले वाली ताकत, तो हमारी पूरी की पूरी विरासत खतरे में पड़ जाएगी, पूरा बिहार बर्बाद हो जाएगा। तब हम लोगों ने फैसला किया कि राजनीति में फिर से कष्ट उठाना होगा वो कष्ट उठाएंगे, जो भी झेलना होगा झेलेंगे, लेकिन उस ताकत को हम फिर से बिहार में वापस नहीं आने देंगे। और इसलिए हमने फैसला लिया है। तो जब हमने फैसला लिया, इस वक्त भी हमने फैसला लिया, तो हम सदन से सड़क पर हैं, संघर्ष में हैं। भाई और मित्रों, आप सब लोग पार्टी के साथी हैं। कोई अगर बोले कि हमेशा फैसला अलग अलग लेते रहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, तो जरा जोरदार शब्दों में आपको जवाब देना चाहिए। कहिए कि हां, फैसला लेते हैं, लेकिन फैसला कभी कुर्सी की ओर जाने के लिए नहीं लेते हैं, कुर्सी से सड़क और संघर्ष की ओर जाने के लिए लेते हैं। तो संदर्भ था, आवश्यकता थी, 2020 के बाद हमको फैसला लेना हमारी मजबूरी थी। हम और नीतीश कुमार जी अलग अलग रहते तो फिर से बिहार में लालटेन को जलाने से कोई रोक नहीं सकता था, फिर लालटेन जलने वाला था। क्योंकि वह जो मुकम्मल ताकत है, वह जो पूरी ताकत है नीतीश जी के साथ विरासत के रूप में जो ताकत थी, वह पूरी ताकत अगर आ जाती राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ तब भी दिक्कत नहीं थी, तब भी काम चल जाता। लेकिन लोगों ने दिया, थोड़ी कंजूसी करके दिया। तो कंजूसी करके दिया, उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होने वाला था, खतरनाक होने वाला था। तो मैं आम जनता को तो दोष दे नहीं सकता कि उन्होंने कंजूसी क्यों की, जनता की अपनी मर्जी, लेकिन कंजूसी तो हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नतीजा उस रूप में होने वाला था, तो उस रूप में अगर नतीजा होता तो जिस विरासत को बचाने की बात हमेशा हम करते रहे हैं, वह विरासत आगे
नहीं बचने वाली थी, नहीं बचने वाली थी। अब यह जवाब तो नीतीश जी को देना चाहिए कि उसी विरासत को बचाने के नाम पर वोट मांगा नीतीश जी आपने बार बार, 2005 में भी, उसके बाद भी, यहां तक कि 2020 में भी। 2020 में भी नीतीश जी ने क्या कहा, 2005 में क्या कहा सब लोगों को मालूम है, 2010 में क्या कहा, बार बार नीतीश जी ने कहा कि साथ दीजिए और नहीं तो वही आ जाएगा, समझ लीजिए। तो सिर्फ 2005 में ही नहीं कहा, 2010 में ही सिर्फ नहीं कहा, 2020 का जो अंतिम विधानसभा का चुनाव, इसमें भी नीतीश जी ने वही कहा, 15 साल बनाम 15 साल का नारा दिया था कि नहीं दिया था, 15 साल बनाम 15 साल, मतलब बिहार की जनता ने उनको, उनके ऊपर इसलिए भरोसा किया कि जनता को लगा कि फिर से हम इनको ला देंगे तो पुराना 15 साल वाला नहीं आएगा, नहीं आएगा। यही वादा था कि नहीं था नीतीश जी का बिहार की जनता के साथ, यही वादा था। और इसलिए थोड़ा कम या ज्यादा जनता ने साथ दिया, सरकार फिर से बन गई। उस वक्त जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जो प्रथम चरण में चुनाव हुआ शाहबाद का इलाका, मगध का इलाका, उसमें नीतीश कुमार जी की पार्टी और उनके साथ जो भी पार्टी उस समय थी, प्रथम चरण का जो मतदान हुआ उससे पता लगने चलने लगा कि अब नैया डूबने वाली है और फिर से लालटेन जलने वाला है। बिहार भर में यह मैसेज प्रथम चरण के बाद चला गया। अब बिहार भर के लोग दहशत में आ गए, लोगों को लगने लगा कि अब तो बहुत ही जुल्म होने वाला है। तो देख लीजिएगा पूरा परिणाम उलटकर, प्रथम चरण में जो चुनाव जहां हुआ 2020 में, वहां का परिणाम, और बाद में दूसरे चरण में बिहार के लोग फिर सचेत हो गए, सचेत हो गए। और उसी सचेत होने का परिणाम है कि फिर से लोग गोलबंद हो गए एनडीए के साथ। फिर हमको जो वोट मिला था शाहबाद मगध के इलाके में, दूसरे चरण में वोट नहीं मिला क्योंकि जनता ने फिर से अपना कदम वापिस ले लिया। वापिस लेना जरूरी था, वापिस लेना जरूरी था, तो जनता ने वापिस ले लिया, तो सरकार फिर से उस रूप में आ गई, नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए। तो उस वक्त भी जनता ने इसलिए नीतीश जी आपको वोट दिया कि आप पुराना वाला 15 साल वाला को नहीं आने दीजिएगा, जनता ने इसीलिए वोट दिया। उनका तो नाम सुनकर ही लोगों में दहशत हो गया था। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, वैशाली जिला में, वहां राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवारी थी, महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवारी थी, और संयोग ऐसा था कि राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार थे सवर्ण जाति से आते थे, तो उनकी जात का अधिकांश लोग उनको वोट दे दिया, वहां लालटेन छाप होते हुए वोट तो दे दिया, लेकिन बाद में जब मैसेज फैलने लगा कि फिर लालटेन बिहार में आ सकता है, तब वही लोग फिर भयभीत होने लगे। हमसे कई लोगों ने कहा कि अब तो लगता है कि वही आ जाएगा, क्या होगा। तो हमने कहा कि भैया आप लालटेन को वोट दे रहे थे उस समय, नहीं सोच रहे थे, अब उनके मन में बेचैनी, उनके मन में बेचैनी। तो जो कुछ भी बिहार भर में दिख रहा था, तो लोगों के मन में जो बेचैनी थी, किसी तरह से सत्ता बच गई, उनके हाथ में सत्ता उस वक्त तो नहीं जा पाई, उस वक्त नहीं जा पाई, तो बिहार की जनता को यह क्रेडिट जाता है कि बिहार की जनता ने कदम वापस कर लिया और सत्ता फिर वहां जाने से बिहार की जनता ने बचा लिया। जनता के हाथ में था, जनता ने बचा लिया, लेकिन बाद में नीतीश जी आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया। इसके पहले भी 2015 के चुनाव में मिलकर लड़े थे आरजेडी और जेडीयू के लोग, जो उस समय फिर तलाक हुआ दोनों के बीच में। किन मुद्दों पर तलाक हुआ था, नीतीश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम इसलिए तलाक की स्थिति में पहुंच रहे हैं कि भ्रष्टाचार का जो आरोप है इनके ऊपर,
उसका जवाब ठीक से नहीं दे रहे हैं, उसका जवाब ठीक से नहीं दे रहे हैं। पब्लिक डोमेन में जाकर बताना चाहिए कि क्या मामला है। नीतीश जी ने यही कहा तो नीतीश जी उस वक्त का पब्लिक डोमेन में जाकर कहा कि बताइए, नहीं बताया तो आप तलाक ले लिए। क्या मामला फिर आ गया? कौन सी गंगा में राष्ट्रीय जनता दल के लोग जाकर नहा लिए कि उस समय अपवित्र थे, अभी आकर फिर से पवित्र हो गए? यह कौन सी गंगा है जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के लोग पवित्र हो गए? तो बिहार की जनता के साथ आरोप लगाने वाले लगाते हैं मेरे ऊपर कि बदल जाता है। नीतीश कुमार जी तो इतना बदल गए कि पूरे तौर पे सर के बल पर खड़ा हो गए। पैर पर आदमी खड़ा होता है, थोड़ा बदलाव हो तो झुक जाता है, या सोने तक मान लीजिए थोड़ा बदलाव, 90 डिग्री का बदलाव, लेकिन इन्होंने तो सीधे 180 डिग्री का यू टर्न भी नहीं लिया, भी टर्न ले लिया, भी टर्न, हालांकि उससे भी ज्यादा। तो ऐसा टर्न बिहार की जनता के साथ, बिहार की जन क्या हो गया, आवाज जा रही है? हाँ तो ठीक है। बिहार की जनता के साथ वादा खिलाफी है कि नहीं है? तो इस तरह का टर्न नीतीश कुमार जी लेने का काम किया। और नीतीश जी हमेशा इस तरह का नारा देते हैं। अब नीतीश जी को जवाब देना चाहिए कि अगर राष्ट्रीय जनता दल के लोग इतना ही पवित्र हैं तो जो 12 साल संघर्ष हुआ था उस समय का आपका जो नारा था, या तो वह गलत था, उसको आप अगर वह गलत था तो ये भी बता दीजिए बिहार के लोगों के साथ सामने। बिहार के ट्रेजरी से पैसा की लूट हुई कि नहीं हुई, या बता दीजिए बिहार के लोगों को। उस वक्त तो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि लूट लिया, तो उस वक्त लूट लिया और आज बहुत पवित्र हो गया। नीतीश जी ने कहा कि हम तीन चीज से कभी समझौता नहीं करते, तीन सी की बात करते हैं, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन, अपराध, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार, तीन सी से कभी समझौता नहीं करते। मीडिया के लोगों को याद होगा। देखिए, करप्शन जो है भ्रष्टाचार, दुनिया में शायद ऐसा कोई उदाहरण मिले भ्रष्टाचार से समझौता का, जितना बड़ा उदाहरण तो नीतीश जी ने स्वयं ही प्रस्तुत कर दिया है। पहली बार डिप्टी सीएम बना दिया किस योग्यता के चलते? नीतीश जी कह दीजिए अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो नौकरी के बदले जमीन नहीं ली गई है, कह दीजिए। जितनी संपत्ति है आज, जिनको अपना उत्तराधिकारी घोषित इन्होंने किया है, कह दीजिए कि सब ईमानदारी की कमाई का है, बोल दीजिए। तो भ्रष्टाचार से कितना समझौता, यह तो बताने की जरूरत नहीं। और जहां तक सांप्रदायिकता का है, देखिए, सांप्रदायिकता हो, कम्युनलिज्म हो या करप्शन, इस नारे का इस्तेमाल नीतीश जी अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए करते रहे हैं। और जो कदम बदलते रहे हैं उस कदम को जस्टिफाई करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, जब अलग होने लगते हैं तो इनको सांप्रदायिकता दिखने लगती है। बीजेपी के साथ अलग होना होगा तो सांप्रदायिकता कहने लगेंगे, और आरजेडी से अलग होकर फिर बीजेपी के साथ जाना होगा तो इनको भ्रष्टाचार दिखने लगेगा। आरजेडी से अलग होने के लिए भ्रष्टाचार,
और बीजेपी से अलग होने के लिए सांप्रदायिकता, तो यही तो इनका है ना। तो सांप्रदायिकता को समाप्त करने में इनकी कोई रुचि है, न भ्रष्टाचार को समाप्त करने में इनकी रुचि है। इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक कदम को तर्कपूर्ण बताने के लिए, उसके पक्ष में जस्टिफिकेशन देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी से अलग हटो, सांप्रदायिक है बीजेपी, सांप्रदायिक है बीजेपी, मिट्टी में मिल जाएंगे नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ। ये 180 डिग्री का टर्न है कि कितना का टर्न है, फिर चले। तो भाई और मित्रों, इन शब्दों, हाँ, जहां तक अपराध और क्राइम का मामला है, अभी तो सिर्फ पदचाप सुनाई दे रही, आहट सुनाई दे रही है कि लालटेन जलने वाला है। तब तो इस तरह की स्थिति, हर जिला में रोज हत्या या अपहरण, लूट, बलात्कार, छोटी बच्चियों के साथ जितनी बलात्कार की घटनाएं आए दिन हो रही है, कभी नहीं इतनी घटना हुई थी। हत्या की घटना जिस तरह से आज पटना शहर बाहर कहीं भी लोग डरने लगे हैं फिर से, तो अपराध के मामला में भी जो लोग अपनी फैक्ट्री चलाते हैं अपराध के मामला में, उसी फैक्ट्री वाला के साथ राजनीतिक दोस्ती कीजिएगा और कहिएगा कि हम अपराध के मामला में जीरो टॉलरेंस रखते हैं। भ्रष्टाचार की फैक्ट्री, अपराध की फैक्ट्री, और दोस्ती उसी से। नीतीश जी, हम सब लोग यहां बैठे हुए लोग, इतनी बड़ी जमात, आपके साथ हम सब लोग गए थे, बहुत मंसूबा लेकर गए थे बिहार की जनता के साथ, जो होने लगा था उसको देखते हुए हम लोगों को लगा कि जाना चाहिए, तो पूरा सर्वस्व हम अपना राजनीतिक जीवन में जितनी कमाई हमने की थी सबको सर्वस्व हम समाप्त करके गए थे। पार्टी को हमने समाप्त कर दी, धीरे धीरे पार्टी बढ़ रही थी, उसको हमने समाप्त कर दिया। हम तो पूरी अपनी पहचान मिटाकर आपके साथ होने गए थे ना, लेकिन क्या किया या आपने? और जब हमने पार्टी में रहते हुए सवाल किया तो मेरे बारे में सीधे कहा कि जहां चला जाना है चले जाए। अरे भैया, जहां चला जाना है चले जाए, आपको चाहिए मुर्दा लोगों की फौज, जनता दल यूनाइटेड के नेता को चाहिए मुर्दा लोगों की फौज। उपेंद्र कुशवाहा मुर्दा नहीं, जिंदा है, इसलिए जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। जब हम पार्टी में थे उसी समय पार्टी के बहुत सारे नेताओं को याद होगा, जेडीयू के नेता का बयान उसी समय कि नीतीश कुमार जी को छोड़कर कोई भी नहीं इस पार्टी में जिसके कहने से 100 वोट मिल सके, प्रशंसा में बोल रहे थे। समझ में ही नहीं बात आती है कि यह बात प्रशंसा में है कि आलोचना में है। वो बताना चाह रहे थे कि नीतीश कुमार जी का कद कितना बड़ा है, माने कद कितना बड़ा है यह बताने के लिए अपनी ही पार्टी में तुलना कर रहे थे कि कोई दूसरा नेता नहीं जिसको 100 वोट जिसके कहने पर हो सके। यही तो आपकी पार्टी है जिसमें 100 या 200 या 400 वोट अगर किसी के कहने पर होना है तो बस एक ही व्यक्ति है, बाकी सब जीरो है, सब जीरो है। तो यही तो पार्टी है। तो भाइयों और मित्रों, हम लोग तो गए थे सब ने उछावर करके, और हम गए थे किस विरासत को, फिर से जो विरासत के सामने खतरा उत्पन्न हो गया है कि पुराना जो 15 साल वाला है, जो ताकत है 15 साल वाली, उसी के हाथ में सारी चीजें जाने वाली है। तो मुझको लगा कि फिर से विरासत खतरा में पड़ने वाली है, तो हम नीतीश जी के साथ खड़ा हो गए।
इनको ताकत देने की हम के लिए हम सब लोग आ गए कि अब हम सब लोग मिलकर इनको ताकत देंगे और हमारा और उनका दोनों की अलग अलग दोनों की पार्टी अलग अलग होने के चलते जो वोट का डिवीजन हो रहा था उसको हम रोकेंगे और लालटेन को फिर से बिहार में हम नहीं जलने देंगे। तो इस मकसद से गए। लेकिन नीतीश जी आपने क्या किया, आपने नीतीश जी आपने जो किया, हम तो उस वक्त भी पार्टी में हमने कहा था, नीतीश जी से कहा था कि नीतीश जी हम आए हैं आपको ताकत देने के लिए, हम चलेंगे आपके साथ, नीतीश कुमार जिंदाबाद कहना पड़े तो हम कहेंगे और कहने के लिए तो गए ही थे। लेकिन अब नीतीश जी की ओर से जब घोषणा हो गई इस बात की कि अब नीतीश कुमार जिंदाबाद नहीं करना है, अब लालटेन छाप जिंदाबाद करना है, तब मुझको लगा और हमने कह दिया कि नीतीश कुमार जिंदाबाद तो हम कर सकते हैं, इस जन्म में लालटेन छाप जिंदाबाद उपेंद्र कुशवाहा नहीं कर सकता। अच्छा क्या दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी, शर्त इतनी ही थी ना कि लालटेन छाप हमको जिंदाबाद करना पड़ता। वो जो एक गाना है कि तुम जो कहो वही बात कहेंगे, दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, तो अपेक्षा मुझसे भी वही थी कि दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। अच्छा कैसे समझ लिए, हाय लालटेन और कहिए कि अलाउद्दीन का चिराग है, कहिए तो कैसे कहे, भैया लालटेन है अलाउद्दीन का चिराग नहीं है। तो हमने कहा कि लालटेन है नीतीश जी, उन्होंने कहा कि नहीं लालटेन मत कहिए अलाउद्दीन का चिराग। हम ये कैसे होगा, हम आंख खोल कर रहते हैं, आंख बंद करके नहीं रहते हैं। तो जिस रूप में नीतीश कुमार जी की कोशिश है बिहार को ले जाने की, यहां बैठी हुई पूरी जमात के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी को कैसे हम लोग आगे ले चल सके, इसके लिए इस शिविर में सीखकर समझकर और संकल्प लेकर जाने की जरूरत है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इस पार्टी को मजबूत करने की बहुत बड़ी जवाबदेही आप सब लोगों के ऊपर है। एक दल की जरूरत थी इस तरह के दल की, इसलिए हमने पार्टी बनाने का काम किया, क्योंकि जिस विचारधारा की हम बात करते हैं, इस विचारधारा को यदि जिंदा रखना है, बढ़ाना है, बचाना है, तो संगठन मजबूत बनाना पड़ेगा। दावा राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी करते हैं कि यही विचारधारा हमारी है, बोलने के लिए लोग बोलते हैं, राष्ट्रीय जनता दल वाले भी जो हम लोग बोलते हैं कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत, आरजेडी वाले लोग भी यही दावा करते हैं, बोलने में बोलते हैं लेकिन उनकी जो स्थिति है, एक कहावत सुने हैं आप लोग ना, बंदर के हाथ में नारियल। एक दिन मीडिया के बंधु ने हमसे पूछा कि आप कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की भी वही विचारधारा, आपकी भी वही विचारधारा। हाँ भाई बिल्कुल वही विचारधारा, हम आज भी कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों की पार्टी सब एक ही विचारधारा की बात करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लिए यह विचारधारा विचारधारा नहीं है, बंदर के हाथ में नारियल जैसा है। नारियल आपके हाथ में हो तो पूजा कीजिएगा, पूजा के काम में लगाइएगा, पेट साफ रहेगा उसका पानी पीजिएगा, घर में पकवान बनाइएगा बढ़िया से, तस्मई खीर तो काट कर उसमें डालिएगा, और नारियल का बुरादा बना करके मिठाई पूरा परिवार बैठ करके खाइएगा। तो नारियल का यह इस्तेमाल जिसको करना आता है और बंदर के हाथ में दीजिएगा तो हो सकता है कि यहां से फेंक दे और किसी का माथा फट जाए। हाय वही बात, जो सोच समझ वाले लोग हैं, विवेकशील लोग हैं, ईमानदार नियत से काम करने वाले लोग हैं, उनके हाथ में विचारधारा बढ़ेगी, आगे चलेगी, और जिनकी कोई सोच समझ नहीं, जिनकी नियत में खोट है, तो बंदर के हाथ में नारियल जैसा विचारधारा वहां है।
तो राष्ट्रीय जनता दल की यही स्थिति है, बंदर के हाथ में नारियल। और जहां तक जेडीयू का सवाल है तो जेडीयू तो अब खाली डब्बा है, खाली डब्बा है। जेडीयू में तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, क्योंकि जेडीयू जिस बुनियाद पर खड़ा था, समता पार्टी जिस बुनियाद पर खड़ी थी, बनी थी, वह बुनियाद ही ध्वस्त है, वह बुनियाद ही ध्वस्त है। क्योंकि एक तरह से कहिए कि जनता दल यूनाइटेड जो खाली डब्बा हो गया, इस तरह की स्थिति में लाने के लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार जी जिम्मेवार हैं। वह जो कहा जाता है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेना, तो नीतीश जी ने खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। तो जनता दल यूनाइटेड का जो जनाधार था, जिस जनाधार के चलते इस पार्टी को ताकत मिलती थी, वह जनाधार ही आज इससे गायब है। और गायब है सिर्फ हम बोल नहीं रहे, आज प्रमाणित है। महागठबंधन जब बना था तो बहुत उत्साहित थे लोग, समीकरण जोड़ते थे कागज पर, इतना वोट इतना वोट इतना वोट, और कहते थे कि अब कहां, अब तो 80 और 20 की लड़ाई है, 20 100 में 20 लोग हमारे साथ हैं। उपचुनाव हुआ ना मुजफ्फरपुर के कुरहन्नी में, पता चल गया ना, बगल में चुनाव हुआ मोकामा, पता चल गया ना कि इस जनाधार के लोगों ने कहां वोट दिया। नीतीश जी आपका जो रास्ता है, अब उस रास्ता को इस जनाधार के साथ वाले लोग कभी स्वीकार नहीं करने वाले। इस जनाधार का निर्माण आपने भी बड़ी मेहनत के साथ किया था, समता पार्टी जब बनी थी नींव पड़ी, उस दिन से जनाधार धीरे धीरे बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते ताकत इतनी बढ़ी कि 2005 में तो सरकार में हम लोग चले गए, 2005 में तो समाज के सभी वर्ग के लोगों का समर्थन मिला, उसमें चाहे दलित महादलित भाई हो, पिछड़ा अति पिछड़ा भाई हो, अल्पसंख्यक जमात के भाई हो या सवर्ण जमात के भी भाई, सब लोगों ने मिलकर ताकत दी, तब सरकार में आ पाए। तो उस वक्त आते आते तो जनाधार का स्वरूप बड़ा, बहुत बड़ा हो गया था, और यही राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ 22 या 23 सीट पर सिमट गया था ना, 24 सीट मात्र मिली थी ना इसको। आप ही नीतीश जी, आप ही ने कोरामिन दे दिया, आप ही ने कोरामिन दिया, तो बाद में बढ़ा हुआ अलग बात है। तो 2005 में इतना बड़ा समर्थन नीतीश जी के साथ आकर खड़ा हुआ था, लेकिन जब समता पार्टी बनी थी, जनता दल जॉर्ज से शुरुआत हुई थी, उस वक्त नीतीश कुमार जी के साथ साये की तरह हम लोग भी रहते थे। हर संघर्ष में कितनी मेहनत हम लोगों ने की थी। यह नालंदा जिला है, चप्पा चप्पा में हम लोग घूमते थे इस जिला में भी। नालंदा जिला के लोगों को हम लोग उस समय धन्यवाद देते देते नहीं थकते थे, क्योंकि बिहार भर में समता पार्टी की दुर्दशा हो गई थी, इस जिला ने उस समय इज्जत बचाने का काम किया था। तो इस जिला ने क्यों इज्जत बचाने का काम किया, कैसे इस जिला में इज्जत बची, इसलिए बची, यहां कुछ हम लोग जीत पाए समता पार्टी 94 में, और एक जीते थे हम लोग बगहा के, उस जिला में बगहा के बगल में धनहा विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, जहां से बिशिंदो कुशवाहा चुनाव जीत कर आए थे, और यहां से जो लोग जीते थे आप सब लोगों को मालूम है, अधिकांश लोग जीतने वाले कुर्मी समाज के, कुशवाहा वहां से जीते, शकुनी चौधरी जी का समर्थन हुआ जीते, बाकी और जगह नहीं जीत पाए। सीधा साफ है, शुरुआत में अपेक्षा भी यही हुई थी कि यही से शुरू करें हम लोग। लव कुश का नारा दिया गया था कि नहीं दिया गया था, लव कुश का नारा दिया गया, लव कुश समाज के लोग धीरे धीरे इकट्ठा हुए,
धानुक समाज के लोग इकट्ठा हुए, बात आगे बढ़ती गई। वह जो कहा जाता है कि बैठने की जगह शुरुआत में किसने दी, जब हम लोग घूमते थे समता पार्टी का झंडा लेकर शुरुआत में, तो कोई बैठने देता था क्या? उस समय मजाक करते थे लोग कि पोचारा छाप वाला है, झाड़ू छाप वाला है, मजाक करते थे, कोई बैठने नहीं देता था। शुरुआत में बैठने की जगह दी कुर्मी समाज के लोगों ने, कुशवाहा समाज के लोगों ने, धानुक समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, इन लोगों ने बैठने की जगह दी। बाद में चलकर और लोग साथ आ गए, फिर क्या हो गया? आवाज नहीं जा रही है? आ रही है? तो इन लोगों ने बैठने की जगह दी, और इन लोगों ने बैठने की जगह क्यों दी आपको मालूम था नीतीश जी कि बैठने की जगह पहले यही लोग देने वाले हैं, इसलिए पार्टी आपने बनाई थी, इसलिए पार्टी बनाई थी। आपको लगा था कि जगह मिलेगी, अगर उस वक्त भी लगता कि आपको की जगह नहीं मिलने वाली है तो आप कभी रिस्क लेने वाले आदमी नहीं है, आप कभी खतरा लेने वाले आदमी नहीं है, हमको मालूम है। लेकिन आपको उस समय आपने देखा था 1994 में जो गांधी मैदान में फरवरी में रैली हुई, उस रैली का जो दृश्य आपने देखा, तब आपको लगा कि जगह मिलने वाली है, फिर आप पार्टी बनाने के रास्ते पर गए थे। तो इस तरह से इन लोगों ने आपको बैठने की ताकत दी और धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। तो आज क्या जिन लोगों ने जनाधार निर्मित करने में नीतीश कुमार जी का सहयोग किया, चाहे कुर्मी समाज के लोग हो, कुशवाहा समाज के लोग, धानु अति पिछड़ा समाज के लोग, शुरुआती दौर में ये लोग कभी पसंद करेंगे कि फिर से लालटेन बिहार में जल जाए? कभी नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि अगर फिर से वही दिन आ गया तो सबसे पहले अगर संकट में बिहार के गांव गांव में लोग पड़ेंगे तो यही लोग सबसे ज्यादा संकट में पड़ेंगे। दलित महादलित समाज के लोग संकट में पड़ेंगे, गरीब लोग संकट में पड़ेंगे, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। तो ये लोग कभी उस रास्ते को नहीं कबूल करने वाले। आखिर इनके हितों का क्या होगा? क्या होगा इनके हितों का? इनके हितों की रक्षा तो तभी हो पाएगी जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत बचेगी, तब इनके हितों की रक्षा हो पाएगी। तो समाज के दूसरे वर्ग के लोग हैं, अपनी अपनी जगह, अपने अपने हिसाब से पार्टी बनी हुई है, उनकी हितों की रक्षा हो रही है। लेकिन जिन वर्गों की बात हम कर रहे हैं, इनके हितों की रक्षा हो मजबूती से, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल अब नहीं काम कर सकता। जनता दल यूनाइटेड खत्म है, तो कोई एक पार्टी चाहिए कि नहीं चाहिए बिहार में? चाहिए। तो इसीलिए आज डिमांड है समय का, समय की मांग है कि इस विरासत को संभाल, ईमानदारी से संभालने वाली कोई पार्टी चाहिए, और इसलिए राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन हम लोगों ने करने का काम किया। हमारा समाज सोशल डाइवर्सिटी समेटे हुए समाज है, समाज में विभिन्नताएं हैं, समाज की जो विभिन्नताएं हैं उन विभिन्नताओं के आधार पर भी पार्टियां देश में बनी हुई, देश में बनी हुई है, और इसकी जरूरत भी है, इसकी जरूरत भी है। आप गठबंधन देखते हैं राजनीति, गठबंधन में अलग अलग पार्टी शामिल होती है और तब जाकर मुकम्मल एक ताकत बनती है, तब जाकर मुकम्मल ताकत बनती है। आज के दौर में तो यह बिल्कुल एक तरह से कहिए कि इसके बिना काम ही नहीं चलना। तो सोशल डाइवर्सिटी अगर कहीं कोई राजनीतिक गठबंधन का स्वरूप उस रूप में बनना है आगे, तो पार्टी तो इस रूप में जरूरी है। अलग अलग लोगों के हितों की बात करने वाली पार्टी की जरूरत है, और समाज में एक बड़ा हिस्सा जिनके हितों की बात जनता यूनाइटेड करता रहा, लेकिन जनता यूनाइटेड समाप्त है। तो आज वैसी परिस्थिति में एक पार्टी ऐसी जिस पार्टी के लोग ईमानदारी से
कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को आगे बढ़ाने की बात करें, वैसी पार्टी की जरूरत है। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन करने का काम किया है। बहुत आवश्यक है समाज के लिए, बहुत जरूरी है। देखिए, गठबंधन का अपना महत्व होता है, महत्व होता है, और गठबंधन की राजनीति मैं समझता हूं गरीब गुरबा लोगों के लिए गठबंधन की राजनीति बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग अलग ढंग से बात करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि गठबंधन की राजनीति ही देश में चलनी चाहिए, तभी जाकर समाज के सभी वर्ग के लोगों का हित सधेगा, तभी सधेगा। और हम लोगों ने देखा है, एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, बिहार में एनडीए गठबंधन ने जब सरकार बनी नीतीश जी के नेतृत्व में, तो गठबंधन की सरकार ने बिहार में अति पिछड़ा दलित महादलित समाज के लोगों के लिए पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में आरक्षण देने का काम किया। गठबंधन की सरकार थी दिल्ली में, गठबंधन की सरकार थी एनडीए की, तब 10% जो आर्थिक रूप से पिछड़े समूह के लोग हैं उनको आरक्षण मिला। आप कल्पना कीजिए, गठबंधन की सरकार नहीं होती तो यह काम होता? दिल्ली का हुआ हो 10%, वहां भारत सरकार में निर्णय 10% आरक्षण का, या बिहार में जो एससी एसटी के लिए और अति पिछड़ा समाज के लिए, इस गठबंधन बिहार के गठबंधन में क्योंकि जेडीयू शामिल था, इसलिए अति पिछड़ा समाज के लोगों को, एससी एसटी वर्ग के लोगों को आरक्षण मिल सका। जेडीयू नहीं रहता तो नहीं मिलता। ठीक उसी तरह से दिल्ली में गठबंधन की सरकार ने किया, सबका सहयोग मिला, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी उस गठबंधन में नहीं होती तो 10% जिनको आरक्षण मिला मिलता क्या? नहीं मिलता। तो गठबंधन में शामिल अलग अलग हित वाले लोग थे तो उनको भी न्याय मिला और इनको यहां भी न्याय मिला। तो गठबंधन की सरकार का यही परिणाम है। एक पार्टी की सरकार अगर सिर्फ बिहार में होती तो नहीं मिलता, एक पार्टी की सरकार दिल्ली में होती तो नहीं मिलता, गठबंधन की सरकार यहां भी तो सब लोगों ने मिलकर साथ दिया। जिनका मन था उन्होंने भी साथ दिया, जिनका मन नहीं था उन्होंने भी साथ दिया। ठीक उसी तरह से दिल्ली में जिनका मन था उन्होंने भी साथ दिया, जिनका मन नहीं था उन्होंने भी साथ दिया। ऐसा क्यों संभव हो सका? संभव इसलिए हुआ कि समाज में अलग अलग जो समूह है उनके हितों का विशेष रूप से ख्याल करने वाली पार्टियां हैं गठबंधन में, तब जाकर उनका भी भला और इनका भी भला। तो समाज के सभी वर्ग के लोगों का भला तभी होगा जब गठबंधन की राजनीति आगे बढ़ेगी और गठबंधन में अलग अलग समूह को प्रतिनिधित्व, अलग अलग समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन उसमें शामिल होगा। यही आज की तारीख में जनता के हित में, गरीब लोगों के हित में आवश्यक है। तो इसलिए इस पार्टी की जरूरत है, इस पार्टी की जरूरत है और गठबंधन की जरूरत। कई ऐसे मामले आएंगे जिस मामला में गठबंधन, कोई भी गठबंधन हो, उस गठबंधन की एक पार्टी नहीं भी चाहेगी, दूसरी पार्टी चाह रही है, इसलिए उनको समर्थन करना पड़ेगा। कई मामला में इनको नहीं पसंद उनको करना पड़ेगा, उनको नहीं पसंद इनको करना पड़ेगा। तो भाई और मित्रों, इस रूप में ले चलना है, इसलिए पार्टी की जरूरत थी। और पार्टी विचारधारा के आधार पर ही चलेगी तभी लोगों के कल्याण की बात होगी, वरना निजी स्वार्थ की बात होने लगेगी जो राष्ट्रीय जनता दल में हो रहा है। विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी ही समाज का कल्याण कर सकती है, लोगों का कल्याण कर सकती है, गरीबों का उत्थान कर सकती है। बिना विचारधारा वाली पार्टी या विचारधारा का इस्तेमाल गलत नियत से करने वाले लोग अपने घर की तिजोरी को भरेंगे, समाज का भला नहीं होने वाला है, भला नहीं होने वाला है। तो विचारधारा के साथ
चलने वाला ईमानदारी के साथ विचारधारा के साथ चलने वाली पार्टी की जरूरत थी, इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर पार्टी बनाने का काम किया। और चाहे जो कुछ भी हो जाए विचारधारा के साथ तो उपेंद्र कुशवाहा कभी समझौता न किया है न आगे करेगा। याद होगा लोगों को, हम जब भारत सरकार में मंत्री थे, तब न्यायपालिका के सवाल को हम उठाने का काम करते थे। उच्चतर न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया इतनी गलत है, इतनी गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक है कि उस प्रक्रिया के रहते समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो ही नहीं सकता है, वह नहीं संभव है। और समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व छोड़ दीजिए, अभी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है उसमें एससी एसटी वर्ग के लोग तो कभी मिल जाएंगे आपको अपवाद के रूप में, अति पिछड़ा समाज के लोग तो अपवाद के रूप में मिलेंगे कभी, महिलाओं की संख्या भी बहुत नगण्य मिलेगी, क्योंकि बहाली की प्रक्रिया गलत है। और ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में वास्तव में जज लोग नहीं बहाल होते, अपना उत्तराधिकारी जो पहले से जज लोग हैं अपना उत्तराधिकारी बहाल करते हैं। तो यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के खिलाफ हम भारत सरकार में मंत्री थे तब भी हम बोलते थे कि नहीं बोलते थे, हम मंत्री रहते हुए अभियान की शुरुआत हमने की थी, हम जब मंत्री होते हुए पहली बार वहां बोलना शुरू किए इस विषय पर, तो मेरे साथ वाले बगल में बैठे हुए मेरे मित्र कई एमपी लोग बीजेपी या दूसरी पार्टी से जुड़े हुए, तो कहा उन्होंने कि आप तो मंत्री हैं फिर भी बोल रहे हैं। हमने कहा कि भैया जिस सोसाइटी के कमिटमेंट को लेकर हमने दल बनाया है और जिस दल के प्रतिनिधि के रूप में हम बोल रहे हैं, उस दल के प्रति लोगों की आकांक्षा और हमारा जो कमिटमेंट है यह कमिटमेंट पहले है, बाकी मंत्री पद बाद में है। हमने वहां पार्लियामेंट में कहा, तो अलग हमारी पार्टी उस वक्त भी थी, इसलिए इन सवालों को हम मजबूती से उठाते थे। तो आज भी हम उन सवालों को लगातार उठाते रहे। सिर्फ उदाहरण के लिए हमने कहा, आगे 3 दिन के शिविर में कभी मौका मिलेगा तो इस कॉलेजियम पर विस्तार से भी आपसे हम बात करेंगे कि क्या है, लेकिन अभी इतना ही समझिए कि हमने विचारधारा का ख्याल किया हमेशा, इसलिए इन सवालों को मंत्री रहते हुए उठाने में हम नहीं हिचके, हम उठाते रहे। और भी कई सारे मामले हैं जहां भी हमारी पार्टी जो बनी है, हमारी पार्टी की मौलिक जो विचारधारा होगी उसमें सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता तो है ही, तो सामाजिक न्याय हमारी मजबूती से हम चलाएंगे इसको पार्टी के माध्यम से, समाज के सभी वर्ग के लोगों को हर जगह उचित भागीदारी मिले, हिस्सेदारी मिले, इसकी बात हम करते रहे और इस पार्टी के माध्यम से हम और आगे भी करेंगे। और इसी संदर्भ में जिस वक्त लोग नहीं बोल रहे थे आज लोग क्रेडिट लेने वाले ले रहे हैं, लेकिन जिस वक्त लोग नहीं बोल रहे थे उस वक्त भी उपेंद्र कुशवाहा देश में बिहार में जातीय जनगणना की बात कर रहा था, जातीय जनगणना 100% जरूरी है इस देश में, 100% जरूरी है। 1931 में जात की गिनती हुई, लगभग 100 साल हो गया और 100 साल पुराना आंकड़ा कई बार सुप्रीम कोर्ट ने, देश के अन्य राज्यों के दूसरे कोर्ट्स ने कहा है कि आपके पास आंकड़ा कहां है, आंकड़ा दीजिए, तब आप जो काम करना चाह रहे हैं कीजिए, सरकार से कहा। इस पर भी अलग से अगर समय मिला तो बात करेंगे। अभी इतना ही कि जातीय जनगणना जरूरी है, हमारी पार्टी पुरजोर इसकी वकालत करती है कि पूरे देश भर में जात की गिनती होनी चाहिए। तो हमारी पार्टी सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलने वाली पार्टी, और इसलिए हम जातीय जनगणना या बाकी और जो इससे जुड़े हुए मुद्दे हैं, हमारा जो एजेंडा होगा उसमें प्रमुखता के साथ इस एजेंडा को हम शामिल करने का काम करें। धर्म निरपेक्षता का जहां तक सवाल है, इसमें बताने की क्या जरूरत है, जिस वक्त उपेंद्र कुशवाहा
सीए और एनआरसी के खिलाफ बिहार भर में झंडा लेकर घूम रहा था। राष्ट्रीय जनता दल के लोग उस समय बिल में घुसे हुए थे, बिल में घुसे हुए थे राष्ट्रीय जनता दल के लोग। आज दावा करें कि अल्पसंख्यक का वोट हमको चाहिए। कैसे चाहिए? सिर्फ वोट के लिए अल्पसंख्यक, वोट के लिए अल्पसंख्यक, और वोट से जो ताकत मिले तो आपका अपना बाल बच्चा, अपना घर, अल्पसंख्यक जाए चूल्ही भार में। अरे जिस समय अल्पसंख्यक के साथ साथ संकट आया तो उपेंद्र कुशवाहा बिहार भर में रथ लेकर निकला था। आप कहां थे लालटेन छाप वाले? आप कहां थे? और नीतीश जी की उस समय की पार्टी, ये तो और विचित्र काम में लगे हुए थे। नीतीश जी दिल्ली में पार्लियामेंट में सीए का समर्थन करके उनकी पार्टी बिल को पारित करवा रही थी और विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवा रहे थे कि हम एनआरसी नहीं चलाएंगे बिहार। तो दोहरा रूप नीतीश जी ने दिखाने का काम किया, मतलब किसी तरह से अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भरमा के रखो, बरगला कर रखो और किसी दूसरे का भय दिखा करके वोट लेते रहो। अब ज्यादा दिन किसी का भय दिखा करके वोट लेने का नहीं आगे चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। सबको हक देना पड़ेगा, सबको सम्मान देना पड़ेगा। और उस दृष्टि से हमारी पार्टी मानती है कि समाज में रहने वाले लोग चाहे जिस जात के हो, जिस धर्म के हो, धर्म मानना भी उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है जो भारत के संविधान ने मौलिक अधिकार के रूप में दिया है। कोई व्यक्ति किसी धर्म को माने, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे, उसमें सरकार कोई बाधा नहीं खड़ी करेगी, सरकार किसी एक धर्म की वकालत नहीं करेगी। सभी धर्मों को आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ने के लिए जरूरत है तो सरकार अगर सहयोग करेगी तो सबका समर्थन करेगी, किसी एक का समर्थन नहीं करेगी। तो यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे हमारे महापुरुषों ने यह हमको दिया है, इस संविधान को बना करके इसी रूप में। तो इसको आगे हम सब लोग इसी रूप में चलाने का काम करेंगे। सबको सम्मान चाहिए, सबको इज्जत चाहिए, सबको रोटी चाहिए। तो इस तरह से यह जो विचारधारा है, इस विचारधारा के ही रास्ते पर हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों से ही आग्रह कि सब लोग मिलकर के पूरी मजबूती के साथ इन तमाम बातों को अपने जेहन में रखिए। अभी 3 दिन तक शिविर चलेगा, पार्टी की ओर से आपके सामने और बातें भी की जाएगी, तो आप उन चीजों में उसको सुनिएगा भी, आप सहायता अनुसार आप उस बहस में विमर्श में हिस्सेदारी भी लीजिएगा और फिर अंत में यहाँ से कुछ ना कुछ हम सब लोग मिलकर लेकर जाएंगे। तो आज का तो यह उद्घाटन सत्र है। एक निवेदन के साथ अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमने बार बार पहले भी कहा है, आज फिर से भी बहुत भारी मन से हम इस बात को दोहरा रहे हैं, भारी मन से दोहरा रहे हैं। हमने पहले के शिविर में भी कहा है, हम व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को कहते रहते हैं या पार्टी का और कार्यक्रम है उसमें भी हम कहते रहते हैं, पैर छूने की जो संस्कृति है कृपा करके इससे बचने का काम कीजिए, इससे नुकसान होता है। आपको लगता होगा कि इससे फायदा है, आपको लगता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी का हम पैर छूते हैं तो बहुत खुश होते होंगे, लेकिन मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, व्यक्तिगत रूप से कभी घर पर मिल लिया, अगर व्यक्तिगत कोई उस तरह का है तो वहां पैर कहीं छू लिए तो खैर उतनी दूर तक कोई छोटा भाई की तरह है तो चल जाएगा, चल जाएगा, क्योंकि अब व्यक्तिगत सम्मान का मामला होता है। लेकिन जिस रूप में आप सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करते हैं पैर छूने का, इससे उपेंद्र कुशवाहा प्रसन्न नहीं होता, बल्कि अंदर से उपेंद्र कुशवाहा का मन दुखी होता है, दुखी होता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते कि शिविर में आए। हाँ, दूसरी बात हम वही करने वाले हैं जो आप शुरू कर रहे हैं, दूसरी बात हम वही करने वाले, एक तो पैर छूना और एक अनावश्यक ढंग से नारा लगाना। अनावश्यक ढंग से नारा भी मत लगाए, नारा लगाने की जब जरूरत हो तब नारा लगाना चाहिए।
जब ना जरूरत हो तो नारा नहीं लगाना चाहिए। तो कृपा करके दिखावा वाली ऐसी चीजों से बचिए। समाज के लोग सब कुछ देखते हैं भाई, हम और आप लगे कि गलत फहमी में रहते हैं कि लोग नहीं देखता है। आजकल तो सोशल मीडिया है, आपके बगल में ही कोई फोटो खींचेगा और पूरी दुनिया देखने लगेगी। एक मिनट भी नहीं समय लगेगा, आप यहां बैठे रहिएगा और बाहर लोग देखने लगेंगे। तो बचिए इन चीजों से, ठीक नहीं है, गलत है। हम अंदर से यह बात बोल रहे हैं, कोई बनावटी नहीं, आपको सिर्फ आपके मन के लिए नहीं बोल रहे हैं। इससे मुझको भी प्रसन्नता होगी और समाज को बनाने की दिशा में जो हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं उसके लिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कैसा होना चाहिए, सिर्फ भाषण से नहीं चलेगा, सीखना भी पड़ेगा। आप आए हैं यहां, तीन दिन तक रहिए, रहिए, शिविर के काम में रुचि लीजिए, रुचि लीजिए, शांतिपूर्वक लोगों की बात को सुनिए। और आपको भी कुछ कहना हो तो जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था के तहत आप भी कहिए, लेकिन अनुशासन बहुत ही आवश्यक है। अगर अनुशासन कोई साथी शिविर में तोड़ता है तो इसका मतलब है कि बाहर तो रोज अनुशासन वह तोड़ रहा होगा, रोज तोड़ रहा होगा, और अनुशासन खुद से तोड़ने वाला व्यक्ति कभी समाज में अनुशासन लाने का काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए अनुशासित रहिए। और बात करेंगे समय के हिसाब से, अभी फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने इतनी गंभीरता पूर्वक हमारी बातों को सुना है। और फिर आप आए हैं तीन दिन के लिए, तो तीन दिन आप सब लोग रहिएगा, आप आए हैं, इस बात के लिए भी मैं आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और अंत में यही अनुरोध करता हूं कि यहां से लौटिए तो कुछ लेकर जाइए, लेकर सिर्फ दूसरों को देने के लिए नहीं जाइए, दूसरों को देने के लिए भी जाइए और अपने में सुधार के लिए भी लेकर जाइए। तो इस रूप में जाइए, यही आग्रह करते हुए फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।